नमस्कार, आप सभी का द नगरी न्यूज में स्वागत है। जनता को लुभाने और जीत की दावेदारी के लिए पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं, और उस कड़ी में सबसे पहले आता है चुनावी अभियान और चुनावी अभियान के फायदे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है। राजस्थान सरकार जहां एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, वहीं बीजेपी भी वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। क्या आपने सोचा है कभी कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आता है? अगर सरकार कर्ज भी लेती है तो इसे चुकाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? राजस्थान में इस तिमाही यानी अप्रैल से अगस्त तक सरकार 12,288 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है, जबकि अक्टूबर से दिसंबर में 14,000 करोड़ और कर्ज लेगी। आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो 2022-23 के दौरान राजस्थान कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो जाएगा, जो एक साल पहले 4,58,059 करोड़ रुपए था। राजस्थान सरकार भी बॉन्ड बाजार में ला रही है। पंजाब के बाद राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा देश है। वहीं चुनाव के लिए की गई घोषणाओं का भी दबाव बना हुआ है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर कहां से खर्चा हो पाएगा पूरा। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कहां खर्च हो रहा है ये पैसा। वोटर्स को लुभाने के लिए राज्य सरकार फ्रीबी योजनाएं या जिन्हें सामाजिक न्याय की योजना बताती है, उन सभी योजनाओं पर जमकर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पिछले 6 महीने में आधा दर्जन बड़ी योजनाओं में काफी पैसा आवंटित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से लगभग 1,10,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट मिलने वाला है, जिसमें सामान होगा 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और साथ में 1 लीटर रिफाइंड तेल। इस योजना के लिए सरकार सालाना 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूसरा नाम आता है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत 76,00,000 परिवारों को कवर करते हुए उपभोक्ताओं के लिए 500 रुपए प्रति यूनिट एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की गई है। इससे सरकार पर हर साल 750 करोड़ रुपए का अनुमानित बोझ बढ़ेगा। राज्य में ग्रीड से जुड़े 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कांग्रेस सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान में 1 जून से प्रत्येक घर को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना 7,000 करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। फिर आती है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023 के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को सरकार की ओर से स्मार्टफोन निःशुल्क देने की योजना है। इस योजना का लाभ 1,35,00,000 महिलाओं को मिलेगा। मोबाइल फोन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। फ्री मोबाइल योजना 2023 के तहत स्मार्टफोन के साथ 3 साल का डेटा और कॉलिंग भी मुफ्त देते हैं। सरकार द्वारा योजना का लाभ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा। योजना का बजट 1200 करोड़ रुपए है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वृद्धावस्था पेंशन का। राजस्थान सरकार ने इस साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। इस पेंशन योजना में हर साल 15% की बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई पेंशन से सालाना 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिससे केंद्र सरकार का योगदान लगभग 367 करोड़ रुपए होगा। जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि राजस्थान कर्ज के जाल में फंस चुका है और आखिर में इसका असर गरीबों पर ही पड़ने वाला है, वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि ये कर्ज अगर हम लेते हैं तो लौटाते भी हम हैं। खैर, कर्ज कोई भी ले, लाभ जनता को मिलेगा या बाद में पूरा बोझ जनता पर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई पार्टी दे पाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।